तो कैसे हैं आप सब होप करती होंगे मैं वेलकम बैक टू चैनल होती वीडियो और हाँ तो हम पहुंच चुके हैं डिजिटल और ये है इसका एंट्री गेट एंट्री और एग्जिट गेट दोनों तो एक ही साइड है स्मार्ट बाजार से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो ये वहाँ पे आपको दिख जाएगा तो फटाफट से हम चलते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये है इसका एंट्री गेट बाहर से चलिए फटाफट से हम लोग अंदर अंदर चलते हैं और काफी बड़ा है ये मुझे बाहर से इतना बड़ा दिख रहा है देखने में थोड़ा सा खाली है क्योंकि अभी नया खुला है तो देखिए एंट्री जैसे ही आप लेंगे ना तो एंट्री पे ही आपको ना ये सारे हीटर्स मिल जाएंगे देखिए सामने एंट्री गेट है ये इसके सारे हीटर्स हैं भैया विंटर्स हैं तो इन्होंने ये सारी चीज़ें आगे ही लगा रखी हैं अलग अलग ब्रांड के हैं अलग अलग स्टाइल भी इनका डिफरेंट है कलर और प्राइजेस तो है ही डिफरेंट ये नाइन फोर नाइन नाइन का है टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी का है ट्वेल्व थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी का है बहुत सारे हैं ये सारे यहाँ पर और टीवी तो मैं यहाँ इतने सारे देख रही हूँ ना हर साइड उन्होंने टीवी टीवी लगा रखे हैं और ये है माइक्रोवेव इन्होंने ना बहुत सारी चीज़ें अलग अलग जगह लगा रखी हैं ये जैसे इन्होंने यहाँ पे तीन डिज़ाइन लगाए जस्ट अराइव्ड है ये मतलब न्यू होंगे अभी तीनों अलग अलग ब्रांड के हैं एल का है आई का है जो एल वाला है वो है ट्वेंटी थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज़ का है इसके अलावा ये और माइक्रोवेव है आप थोड़ा सा राइट में टर्न करेंगे तो ये सारे आपको यहाँ पे माइक्रोवेव मिल जाएंगे आ, आपको ओ माइक्रोवेव दोनों यहाँ मिल जाएंगे बहुत सारे ब्रांड्स के हैं अलग अलग है और प्राइजेस सबके डिफरेंट है उसके अलावा आपको यहाँ पे ना वैक्यूम क्लीनर्स भी देखने को मिलेंगे ये फिलिप्स का है जो क्राउंड इंटीरियर वाला है ना वहाँ पे मुझे एक दो तो ही मिलते हैं यहाँ पे ये तीन चार डिफरें, डिफरेंट डिफरेंट रखे हुए हैं और ये जो छोटा वाला रेड वाला है ना ये मुझे बहुत क्यूट सा लगता है ये सारे वैक्यूम क्लीनर्स हैं बाकी ये सारे आपको यहाँ पे गीजर्स मिल जाएंगे ये हेवल्स का है ट्वेल्व थाउजेंड अप्रॉस का है ये भी नीचे वाला भी हैवल्स का ये एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी नाइन का है ये थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन का है आफ्टर डिस्काउंट प्राइजेस सारे यहाँ पर मेंशन है और ये अभी न्यूली खुला है ना तो यहाँ पे ना ऑफर्स काफ़ी अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे ना गीज़र्स काफ़ी सारे हैं ऊषा का भी है यहाँ पर और ये फ्रिज है वन लैक सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी का ये डबल डोर वाले हैं सारे फ्रिज एक साइड उन्होंने लगाए हुए हैं और ना जिस पे ये रेड वाले टैग लगे हुए हैं ना इसका मतलब इस पर डिस्काउंट है ट्वेंटी परसेंट का ये ट्वेंटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी का है जो बहुत ही पुराना डिज़ाइन है बहुत पुराना पहले ये फ्लावर्स वाले फ्रिज ना बहुत सारे चलते थे बाकी आपको यहाँ पर Uh, आर ओ भी बहुत सारे मिल जाएंगे ये ए स्मिथ का है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ का है और हेवल्स के भी मिल जाएंगे बहुत सारे ब्रांड के हैं सीरियसली और पता है डिज़ाइंस तो इतने क्यूट और इतने अच्छे लग रहे हैं ना ये स्काई ब्लू वाला डिज़ाइन मैंने यहाँ ही देखा है और किसी अभी तक मैंने कहीं और नहीं देखा ये तो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड वाला है आपको ट्वेंटी वन थाउजेंड में मिल जाएगा ऑलमोस्ट आपको सिक्स थाउजेंड का इस पर डिस्काउंट मिल जाए मिल जाएगा नीचे वाले पे ट्वेंटी परसेंट ऑफ है Uh, मतलब जहाँ पे ना ये ऐसा ना रेड वाला जहाँ पे लिखा होता है ना आजकल उसमें ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी परसेंट भी ऑफ तक होता है कहीं सारी जगह ये आपको पड़ जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ का आर का कैंट का सॉरी कैंट का मिल जाएगा आपको यहाँ पर सेवेंटीन थाउजेंड का है ये प्यूरेट का है ये भी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड का है ये वाला डिज़ाइन मैंने मोस्टली ऑनलाइन देखा है यहाँ पे ना सच में आर के भी ना बहुत सारे डिज़ाइन है ये कॉपर इको मिनरल वाला है मतलब सबका जितनी भी डिटेलिंग है ना सबकी साइड में लगी हुई है बाकी यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छे से डिटेलिंग में आपको सब कुछ चीज़ें बताएगा और समझाएगा बाकी यहाँ पे आपको स्पीकर्स भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे जे बी एल के मिल जाएँगे ये नाइनटीन नाइन हंड्रेड नाइन्टी का है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ का है बी पी एल का है ये ये सारे बी पी एल के हैं ये हम घर में यूज़ नहीं करते हैं अगर आपका कोई रेस्टो है या फिर आपका कोई आ, जैसे पार्टी वाला एरिया है तो हम वहाँ इनको यूज़ कर सकते हैं बाकी आपको यहाँ पर साउंड बार भी बहुत सारे मिल जाएंगे वैसे तो क्राउंड इंटीरियर में ना स्पीकर काफ़ी हैं वहां पे भी स्पीकर्स बहुत सारे मिलते हैं बाकी ये सारे यहाँ पे लगे हुए हैं एलईडी एलईडी ई डी तो उन्होंने चार पांच जगह लगा रखे हैं एक्चुअली इन्होंने साइज़ के हिसाब से लगा रखे हैं जैसे एक साइड इन्होंने फोटी इंची का लगा रखा है एक साइड इन्होंने थर्टी टू इंची का लगा रखा है ये नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ का है इस पर ओनली टेन परसेंट डिस्काउंट है इस वाले स्पीकर पर ये वाला एट का है फ़िफ्टीन वाला है ये स्पीकर बोट का है बाकी आपको यहाँ पर ना गैसेस भी मिल जाएगी उषा उस, की है फ़ो की है वैसे जो इसकी एम ये वो सेवन थाउजेंड ऑलमोस्ट आपको थ्री थाउजेंड रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है ये बीपीएल की है ये सन सॉरी बटरफ्लाई की है आ, वैसे सनफ्लेम्स की भी गैसेस बहुत अच्छी होती हैं बाकी है, मतलब आपको यहाँ पे ना सारा सामान मिल जाएगा ए टू जेड मिल जाएगा यहाँ पर ये फ़िलिप्स का है एयर फ्रायर मतलब एयर फ्राइड हो गया कुकर हो गया मतलब राइस कुकर जो होते हैं वो हो गए ये कॉफ़ी वाला है ऊषा ब्रांड का है ये मैं निकाल के देखती थी बट ये ना कांच का है और बहुत ना हैवी था तो फिर मैंने वापस लगा दिया कहीं गिर गया वैसे भी जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको पता ही है कि मुझसे कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है मैं जब भी कहीं जाती हूँ कुछ मुझसे गिर ही जाता है ये मॉर्फी रिचर्ड्स का है मॉर्फी रिचर्ट्स के नाम बहुत अच्छा ब्रांड है और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे होते हैं मैं सैंडविच मेकर यूज़ कर रही हूँ ऑलमोस्ट एट इयर्स हो गए मुझे सॉरी एट्स एट या नाइन इयर्स हो चुके हैं बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा चलता है तो इस ब्रांड के जो प्रोडक्ट्स होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं ये चीज़ का राइस कुकर है इसके अलावा आपको यहाँ पे ये इंडक्शन इंडक्शन्स भी मिल जाएंगे ये बजाज का इंडक्शन भी यहाँ पे चार पांच अलग अलग ब्रांड के रखे हुए थे और नीचे वाला फ़िलिप्स का है ये वाला अ, इसका प्राइस टैग नहीं लगा हुआ है यहाँ पर अभी बट ये ना बहुत अच्छा है बहुत ही अच्छा है मतलब आपको जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चाहिए जो भी चाहिए ना आप यहाँ पे विज़िट कर लीजिए आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा इवन अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाएगा अभी यहाँ पे डिस्काउंट काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसी के बगल में जो स्मार्ट बाज़ार है वो भी अभी मतलब ये सब चीज़ें ना मतलब ये सारे स्टोर्स अभी नए रिसेंटली खुले हैं ना तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है तो आप यहाँ पर ना फटाफट से विज़िट कर लीजिए अच्छे अच्छे डिस्काउंट ले लीजिए बाकी ये बजाज का रूम हीटर है सिक्स वन का है नीचे सॉरी ये थ्री का है जिसके अलावा सामने लगे हुए पर्सनल केयर्स का सामान जैसे ट्रिमर हो गया हेयर ड्रायर हो गया या स्ट्रेटनर हो गया वो सब भी आपको मिल जाएगा बाकी यहाँ पे ना ये सीरियल चल रहा है इसके अंदर कौन सा सीरियल है ये मुझे नहीं पता बट सब टीवी पे ना मोस्टली इन्होंने यही वाला सीरियल चला रखा है बाकी यहाँ पर आपको टी सोनी का एल का सैमसंग के सारे मिल जाएंगे उसके अलावा ये मुझे दिखा फ़ोन सैमसंग का वन लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ का है ऑलमोस्ट डेढ़ लाख रुपए का फ़ोन है तो मुझे लगा तो मुझे नहीं पता था कि सैमसंग के इतने भी एक्सपेंसिव फ़ोन आते हैं ये वाला फ़ोन है तो आयश कह रहा है कि नहीं मम्मा मैं इसको देखता हूँ खोल के तो ये ऐसा फ्लिप वाला है ऐसे खुलता है इसके अलावा ये ना इसके साथ ये चार फ्लिप्स अलग अलग शेड में रखे हुए अलग अलग कलर में बाकी ये नाइन्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ का ये ऑलमोस्ट एक लाख का फ़ोन है तो आपको यहाँ पे ना फोन्स की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी ये सैमसंग का ये भी सैमसंग का, ये आ, का है ये ऑलमोस्ट सिक्सटी थाउजेंड का फ़ोन है ये फ़ाइव जी पता नहीं कौन सा मुझे नहीं पता बाकी आपको ये जे बी एल का यहाँ पे स्पीकर्स इस टाइप के मिल जाएंगे ये अच्छे काफ़ी अच्छे रहते हो जे जे बी एल के स्पीकर्स ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका साउंड क्वालिटी ना बहुत अच्छा होता है बाकी आपको ना यहाँ पे बहुत सारी ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें देखने को मिलेगी जो मैंने ना अभी तक मोस्टली डिजिटल में नहीं देखा जैसे मैंने वो डेढ़ लाख रुपये वाला फ़ोन ना आ, क्राउंड इंटीरियर वाला जो डिजिटल है उसमें नहीं देखा है बाकी आपको यहाँ पे ना इसकी स्पीकर्स की भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज़ देखने को मिलेगी आपको यहाँ ना वैरायटी बहुत सारी मिल जाएगी बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे आप मतलब अपने अकॉर्डिंग अच्छा सा कोई चूज़ कर सकते हैं आ, ये भी इको शो वाला है सेकंड जैम ब्लॉक ब्लैक कलर में सॉरी ये फोटीन थाउजेंड का है तो फर्स्ट मुझे लगा शायद ये टैबलेट टाइप का होता है जो टैब होता है ना उस टाइप का होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें ना मुझे भी यूनिक देखने को मिलती है जो मैंने कहीं नहीं देखी है बाकी आपको यहाँ पर हेडफोन मिल जाएंगे ये नॉइस का ट्वेल्व थाउजेंड मतलब थर्टीन थाउजेंड का ऑलमोस्ट है ईयरफोन मिल जाएंगे ईयरपोड मिल जाएंगे केबल्स मिल जाएंगी मतलब आपको ना यहाँ पे ना जो छोटे से छोटा सामान होता है ना वो भी मिल जाएगा मतलब जैसे केबल्स तक यहाँ पे ना बहुत सारी वैरायटी में मिल जाएगी ये थ्री थाउजेंड रुपीज़ के बर्ड्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और जितने भी यहाँ के ना सेल्स पर्सन है सब आपको अच्छे से ना हर चीज़ के बारे में समझाएंगे अगर आप एक केबल भी लेंगे ना और अगर आप उनसे पूछेंगे ना तो वो भी आपको अच्छे खास मतलब अच्छे से डिस्क्राइब करके उसके सारे फ़ीचर्स बताएंगे ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर ये सारे ईयरफोन ईयरफोन है ये वन थाउजेंड रुपीज़ का है इस पर डिस्काउंट है मतलब जो ये रेड सॉरी जो ये, ये येलो कलर में होता है ना ये सारे डिस्काउंटेड प्राइजेस वाले होते हैं जिसपे इन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया होता है आ, दूर से पता चल जाता है कि इस पर डिस्काउंट है बाकी आपको यहाँ पे ना ये कैमरा मिल जाएगा वन नाइन नाइन ज़ीरो रुपीज़ का ये कैमरा है काफ़ी अच्छा है बाकी आपको ये मिल जाएगा स्मार्ट स्पीकर इको डॉट थ्री फोर नाइन नाइन रुपीज़ का है एम आर पी भी इसकी यही सेम है और ये इसके सारे फ़ीचर्स है इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है और ये फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी नाइन का है ये इको डॉट फिफ्थ जनरेशन टू ज़ीरो थ्री थ्री ब्लॉक है ये अमेजोन ये भी स्पीकर है और ये पर्पल कलर में है ऑलमोस्ट मैंने ब्लैक में देखे है रेड में देखे पर्पल में मैंने स्पीकर पहली बार देखा मुझे देखे ना बड़ा मज़ा आता अच्छा सा लग रहा था और ये आगे मैं अपने फेवरेट एरिया में ये मुझे ना सबसे बढ़िया एरिया लगता है जहाँ पर आपको गैसेस चिमनी मिलती हैं और मतलब पूरा ना ये वुडन से बना के लग रखते हैं नीचे जो ड्रॉर्स होते हैं वो सारे मतलब जैसे हमारा किचन होता है ना उस टाइप का होता है ये वाला एरिया मेरा सबसे फेवरेट एरिया होता है मैं मतलब जब भी डिजिटल में जाती हूँ ना मैं इस वाले एरिया में बहुत आ बहुत आती हूँ मुझे अच्छा लगता है किचन का पूरा लुक आता है बाकी आपको यहाँ पर फ्रिज वॉशिंग मशीन का भी बहुत सारे स्टॉक मिल जाएगा बहुत ही सारा स्टॉक है मैंने फ्रिज और वॉशिंग मशीन यहाँ इतनी कवर नहीं की है क्योंकि ये डिजिटल बहुत बड़ा है अगर आप इसका और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं यहाँ का फिर से एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी बाकी आपको यहाँ पे सामने एसी भी दिख जाएंगे ब्लू स्टार और हिटाची का है सैमसंग सोनी सबका मिलेगा फ्रिज भी आपको यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारे लीटर्स के मिल जाएंगे मतलब छोटा सा छोटा फ्रिज है और डबल डोर वाले मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे दिखा दिए जो ऑलमोस्ट डेढ़ लाख रुपए तक का जिसका प्राइस जाता है सामने सारे इसी लगे तो मैं आ चुकी हूँ वो से बाहर काफ़ी अच्छे डिस्काउंट थे और बहुत सारी ना यूनिक यूनिक चीज़ें थी जो मैंने डिजिटल में आज तक कभी नहीं देखी हैं यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली और अब हम जा रहे हैं अपने घर आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय जय माता दी